वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के लोग हैं वही कह रहे हैं कि ये रेलवे की जमीन नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में एक फैसला आया जिसमें जबरदस्ती वाली जगह है, जबरदस्ती वो कर रही है रेलवे। देखिए ये तो देख मुसलमान को परेशान करा जा रही है, ये तो देखना पड़ेगा हमें कि रेलवे के पास क्या सबूत है। 100 बरस से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, स्कूल हैं यहाँ पे, कॉलेजेस हैं यहाँ, पानी की टंकी है यहाँ, सड़कें हैं, ये लोग सारे टैक्स देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद इसलिए कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो उजाड़ दोगे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करती रहती है। अभी देखिए ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने, कि हजारों जो है लोगों को जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनके उनको घर से बेघर करना चाहते हैं। तो ये तो इसके बगैर तो इनके पास तो लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इनको शायद ये मुल्क के लोगों को ये एहसास होना चाहिए, जब भी कोई मुल्क मजहब का गलत इस्तेमाल करके मुल्क में पॉलिटिक्स करता है तो उसके नतीजे बहुत गलत, बहुत खतरनाक होते हैं। और हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, इसकी बुनियादें सेक्युलरिज्म पे हैं, इसकी बुनियादें जो हैं डेमोक्रेसी पे हैं। इसको आज ये एक मजहब का के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नतीजे भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क है या सीरिया है, जहां पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं, एक जहां इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, इस्तेमाल किया, इसी तरह से आज यहां बीजेपी और एक मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके नतीजे जो हैं अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है। हल्द्वानी में चुन चुन कर मुस्लिम नेताओं को उतारा गया है, कोई कोर्ट में कूदा है, कोई सीधे गफूर बस्ती से लैंड कर रहा है और कोई सोशल मीडिया पर नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। शाहीन बाग का केस लड़ने वाले वही लायर प्रशांत भूषण भी हैं इसमें। कोर्ट और वर्चुअल वर्ल्ड की बातें आगे बताएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि गफूर बस्ती में आज क्या चला। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद पिछले 6 दिनों से गफूर बस्ती का सच दिखा रहे हैं। मनीष प्रसाद ने हल्द्वानी से एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है। हल्द्वानी का बनफूलपुरा है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ये 82.7 एकड़ की ये पूरी जमीन रेलवे की है और इसके ऊपर ये अवैध कब्जा है।